हेलो स्टूडेंट, टुडे इज रिवीजन वीडियो। रिवीजन वीडियो में हम फर्स्ट ले रहे हैं लिमिट ऑफ सम्स। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो ऑब्जर्वेशन किया होगा और मेथड को माइंड में रखा होगा। हमने अभी लिमिट ऑफ सम में लिया है टाइप वन, दैट इज डिपेंड ऑन पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल में लीनियर हो सकता है, वो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक हो सकता है और वो पॉलिनोमियल क्यूबिक भी हो सकता है। तो हमने अपने रेगुलर वीडियो में एक लीनियर लिया था सम, एक सम हमने लिया था क्वाड्रेटिक। नाउ आज रिवीजन वीडियो में हम ले रहे हैं एक सम जो है क्यूबिक। मेथड वही है, टर्म्स वही है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है और प्रॉपरली मेथड को फॉलो करना है। तो देखते हैं हम क्यूबिक एक सम, इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स, लिमिट ऑफ सम से फाइंड करना है। सबसे पहले 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स कंपेयर विथ, प्रॉपरली मेथड को फॉलो करना है, इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। स्टूडेंट, हम जो मेथड फॉलो करवा रहे हैं ये मेथड एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट 2020 मार्च में जो बोर्ड की एग्जाम हुई थी उसमें सम, लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन था और हम जो मेथड को फॉलो करवा रहे हैं यही मेथड का सॉल्यूशन बोर्ड की एग्जाम में गिवन था। तो प्रॉपर मेथड है, इजी मेथड है, टेक्स्ट बुक की कंपैरिजन में बहुत इजी मेथड है। तो मेथड को प्रॉपरली फॉलो करना है। नाउ a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 3, h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, दैट इज 3 माइनस 1 अपॉन n, 2 बाई n। द फंक्शन इज एक्स क्यूब, क्यूबिक है। अभी हम लिमिट ऑफ सम का पॉलिनोमियल टाइप ले रहे हैं, आगे जाके हम टाइप 2 लेंगे। तो अभी पॉलिनोमियल पर कॉन्सेंट्रेशन करना है। रेगुलर वीडियो में हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी, आज क्यूबिक पे जा रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस एफ ऑफ ए प्लस आई एच, दिस इज एफ ऑफ 1 प्लस आई एच एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन दिस इज 1 प्लस आई एच होल क्यूब। द फॉर्मूला इज 1 क्यूब प्लस आई एच होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर, यानी आई एच, ए स्क्वायर बी ऐसे लिखते हैं हम, प्लस 3 टाइम्स 1 इंटू बी स्क्वायर आई एच होल स्क्वायर। अगर आपके माइंड में फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो साइड पे फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। स्टूडेंट, एक हैबिट डेवलप करो कि जो फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है, जो बेसिक फॉर्मूला में आपको प्रॉब्लम है वो नहीं आ रहा है तो समझने के बाद साइड पे उसको नोट डाउन कर लो कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस आई क्यूब एच क्यूब प्लस 3 आई एच प्लस 3 आई स्क्वायर एच स्क्वायर। नाउ सारी तैयारी हो गई है, अब हम ओरिजिनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एन टेंस टू इंफिनिटी लिमिट एच सिग्मा आई 1 to up to n एफ ऑफ ए प्लस आई एच। स्टूडेंट, सिग्मा 1, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब एंड विद दैट n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट 1 अपॉन n इक्वल्स टू 0, ये टाइप के लिए बेसिक फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला हमको आती है वो कंसीडर करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट h,
सिग्मा आई वन टू अप टू एन दिस इज वन प्लस आई क्यूब एच क्यूब प्लस थ्री आई एच प्लस थ्री आई स्क्वायर एच स्क्वायर. नाउ सिग्मा को अंदर एंटर करते हैं एच आउटसाइड. नाउ ब्रैकेट दिस इज सिग्मा आई वन टू अप टू एन वन. थोड़ा पेशेंस रखना है. एच क्यूब सिग्मा आई वन टू अप टू एन आई क्यूब देन 3H सिग्मा आई वन टू अप टू एन आई प्लस 3H स्क्वायर सिग्मा आई वन टू अप टू एन आई स्क्वायर. स्टूडेंट लिमिट ऑफ सम्स जो है सम की मेथड इजी है लेकिन थोड़ी लेंथी प्रोसीजर है. थोड़ा पेशेंस थोड़ा कमांड और फॉर्मूला का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है. नाउ n tends to infinity limit h sigma 1 that means n h cube sigma I cube that is n square n plus 1 whole square by 4 plus 3h patience hona jaruri hai n plus 1 by 2 3h square then n plus 1 to n plus 1 by 6. Now student n tends to infinity limit h ko hum enter karte hain with particular value 2 by n. h ko hum enter karte hain with particular value 2 by n aur aapke knowledge mein hoga कि अगर h की वैल्यू 2 बाई n अंदर एंटर करते हैं और सम को सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो जो भी n सम में बचेगा वो अत्र तत्र सर्वत्र 1 बाई n के फॉर्म में होना चाहिए. अदरवाइज n टेंड्स टू इंफिनिटी आंसर परफॉर्म नहीं करेगा. तो जो भी सम में n एंटर होगा या है उसको कन्वर्ट होना है 1 अपॉन n के फॉर्म में. तो वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं. एच को अंदर एंटर करते हैं दैट इज 2 बाई एन इन टू एन प्लस दिस इज 2 बाई एन इन टू ये एच क्यूब है यानी 8 बाई एन क्यूब ओवर हियर एन स्क्वायर इन टू एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर बाई 4. पेशेंस कमांड होना जरूरी है. यहां से मैंने n कॉमन निकाला तो स्क्वायर होने की वजह से n स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 बाई एन होल स्क्वायर बाई 4 प्लस हियर इट इज 3 टाइम्स 2 बाई एन 2 3 टाइम्स 2 बाई एन. यहां पर हमने h को एंटर किया है तो ओ एच होगा 2 बाई एन. एच अंदर एंटर हुआ है सो 2 बाई एन 3h दैट इज 3 टाइम्स 2 बाई एन एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन होल बाई 2 तो है प्लस 2 बाई एन h अंदर एंटर हुआ है देन 3 टाइम्स हियर इट इज 4 बाय एन स्क्वायर एंड एन क्यूब 1 प्लस 1 बाय एन 2 प्लस 1 बाय एन होल बाय 6 तो है. नाउ एच की एंट्री अंदर दी है और एन को आउटसाइड बाहर निकाला है जिससे अत्र तत्र सर्वत्र अगर एन अंदर बचता है तो 1 बाय एन का फॉर्म होगा. ये n कैंसल करते हैं और पीसफुली सम को कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं. दिस इज 2 रिमेनिंग ओवर हियर n n क्यूब n स्क्वायर कैंसल 4 2 जा 8. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज प्लस 4 एंड 1 प्लस 1 बाई n होल स्क्वायर प्लस ओवर हियर एन 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 स्क्वायर 2 2 कैंसल 3 2 6
एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन इज 1 + 1/n प्लस ओवर हियर 2 × 3 = 6 एंड एन स्क्वायर एन क्यूब सो दिस इज 4 × 1 + 1/n 2 + 1/n नाउ स्टूडेंट सम में जितने भी n है वो सारे n कन्वर्ट हो गए 1/n के फॉर्म में सो लिमिट अंदर एंटर करेंगे एंड वी नो n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट 1/n इक्वल्स टू 0 सो यहां पर ये लिमिट एंटर होगा 2 + 4 × 1 + 0² + 6 × 1 + 0 + 4 × 1 + 0 2 + 0 नाउ स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 2 + 4 + 6 + 8 एंड द आंसर इज 20 द आंसर इज 20 सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम लिमिट ऑफ सम जिसमें हमने पॉलिनोमियल लिया है देर आर 3 types ऑफ पॉलिनोमियल इन अवर सिलेबस फॉर दिस सम लीनियर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक तीनों तीन की प्रैक्टिस हमने रेगुलर और रिवीजन वीडियो में करवाई है नाउ स्टूडेंट इंटीग्रेशन स्टार्ट करके लास्ट टाइम से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में एंटर हो चुके हैं आपको फॉर्मूला आनी चाहिए मेथड आनी चाहिए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत हैवी नहीं है पर्टिकुलर मेथड की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर यही वे से आंसर आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो जरूरी नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप मेथड कोई भी अप्लाई करो आप मेथड कोई भी अप्लाई करोगे अगर इंटीग्रेशन की लिमिट आपने एंटर करी तो आंसर सेम रिप्रेजेंट होगा फिर वो सब्स्टिट्यूशन हो या फिर वो सिंपल मेथड हो तो स्टूडेंट मेन है आपको फॉर्मूला में कमांड होनी चाहिए फॉर्मूला बनाना आना चाहिए फॉर्मूला कॉन्फिडेंटली अप्लाई करना आना चाहिए तभी इंटीग्रेशन आपको इजी रहेगा अदरवाइज इंटीग्रेशन बोरिंग एंड हैवी चैप्टर है तो थोड़ा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला कैसे लर्न बाय हार्ट करनी है उसको रिकॉल करते हैं लास्ट टाइम हमने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की है अंडर रूट x² - a² अंडर रूट x² + a² अंडर रूट a² - x² ये सब फॉर्मूला को प्रॉपरली अप्लाई करने के लिए हमने आगे जो 6 फॉर्मूला की है उसका बेस हमारे पास होना चाहिए दैट इज 1/√x² - a² एक्सेट्रा तो फॉर्मूला कैसे लर्न बाय हार्ट करने हैं वंस अगेन √x² - a² dx इंटीग्रेशन √x² + a² dx इंटीग्रेशन √a² - x² dx x by 2 whatever given Whenever a² - a² - then - + then + and this is ये इसका उल्टा पार्ट है सो माइनस बिकम्स प्लस याद करने के लिए करना है ये ऑपोजिट है तो माइनस है तो प्लस रखना है a² by 2 then over here log√x + √x² - a² + c अगर कंफ्यूजन है तो याद करना है इंटीग्रेशन 1/√x² - a² क्या था उसको आप याद करोगे तो आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो दिस इज प्लस सी तो यही चीज जो है उसको यहां पर हम रखेंगे Now a² by 2
लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट करने से सेकेंड फॉर्मूला को ऐसे भी माइंड में रख सकते हो कि फर्स्ट फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस रख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टडी करने के 100 ऑप्शंस है, आप यहां से भी तैयार कर सकते हो, आप ये कॉन्सेप्ट भी ले सकते हो, तो प्रॉपरली स्टडी करने की इच्छा रखो। हियर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी कैसे याद रखना है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो स्टूडेंट हमने लिमिट ऑफ सम से पहले ये 3 फॉर्मूलाज की थी जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सम का इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस का हो सकता है या बिग क्वेश्चन का भी हो सकता है। प्रॉपरली सम ऑफ लिमिट को फॉलो करना है। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लेने वाले हैं और हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, यानी हमारा 50% इंटीग्रेशन कंप्लीट है, 50% हमने स्टार्ट कर दिया है। होमवर्क को प्रॉपरली फॉलो करना है।